लेबोरेटरी में सॉल्यूशन को बनाने और रखने में करते हैं। ये जो है पानी की ग्लास है, इसका यूज घरेलू होगा, जबकि ये जो बीकर है इसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। पानी के ग्लास और बीकर में देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। पानी के ग्लास के बाहरी हिस्से पर कोई वॉल्यूम नहीं लिखा रहता है, जबकि बीकर जो होता है बीकर के बाहरी हिस्से पर वॉल्यूम लिखा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा बीकर की कैपेसिटी कितनी है। ये देखिए, ये बीकर है, इसके बाहरी हिस्से पर वॉल्यूम लिखा है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बीकर और पानी के ग्लास में। पानी के ग्लास को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे टूट जाएगा, जबकि बीकर जो होता है इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पे इसकी टूटने की कैपेसिटी कम होती है, यानी बीकर की हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, जबकि पानी के ग्लास में नहीं होती है। घर में यूज किया जाने वाला जो ग्लास होता है मुख्यतः स्टील। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस टेक। आज हम बात करेंगे बीकर और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पानी की ग्लास और बीकर में क्या समानता होती है और क्या इसमें अंतर होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो है पानी की एक ग्लास है और ये सेकेंड वाला जो पिक्चर है यह बीकर है। पानी का ग्लास जो होता है वह सोडियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ये जो पानी का ग्लास है यह सोडियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जबकि बीकर जो होता है वह बोरोसिलिकेट का बना ग्लास होता है। बोरोसिलिकेट जो होती है बोरिक एनहाइड्राइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना एक मिक्सचर होता है, जो हम बीकर बनाने में इसका यूज करते हैं। पानी की ग्लास और बीकर में यह समानता होती है कि दोनों का शेप जो होता है सिलिंड्रिकल बेलनाकार होता है। ये यहाँ पे पानी का ग्लास और बीकर को दिखाया गया है, दोनों का शेप जो है सिलिंड्रिकल शेप है। पानी की ग्लास का यूज हम घरेलू उपयोग में करते हैं। पानी की ग्लास का उपयोग हम घरेलू यूज में पानी पीने के लिए करते हैं, जबकि बीकर का यूज हम लेबोरेटरी में सॉल्यूशन को बनाने और रखने में करते हैं। ये जो है पानी की ग्लास है, इसका यूज घरेलू होगा, जबकि ये जो बीकर है इसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। पानी के ग्लास और बीकर में देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। पानी के ग्लास के बाहरी हिस्से पर कोई वॉल्यूम नहीं लिखा रहता है, जबकि बीकर जो होता है बीकर के बाहरी हिस्से पर वॉल्यूम लिखा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा बीकर की कैपेसिटी कितनी है। ये देखिए, ये बीकर है, इसके बाहरी हिस्से पर वॉल्यूम लिखा है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बीकर और पानी के ग्लास में। पानी के ग्लास को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे टूट जाएगा, जबकि बीकर जो होता है इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पे इसकी टूटने की कैपेसिटी कम होती है, यानी बीकर की हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है, जबकि पानी के ग्लास में नहीं होती है। घर में यूज किया जाने वाला जो ग्लास होता है मुख्यतः स्टील और कांच या ग्लास के बने होते हैं, जबकि बीकर जो होता है मोस्टली प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। ये घरेलू ग्लास है और ये बीकर है, ये प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। देखेंगे कि घरेलू ग्लास को बीकर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हम घरेलू ग्लास को बीकर की तरह यूज इसलिए नहीं करते हैं कि घरेलू ग्लास जो होता है हाई टेम्परेचर और एसिड बेस की उपस्थिति में जल्द ही खराब हो जाता है, जबकि बीकर जो होता है हाई टेम्परेचर और एसिड बेस के प्रेजेंस में खराब नहीं होगा, इसलिए हम घरेलू ग्लास को बीकर की तरह यूज नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।